हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी डीप नेक कुर्ती की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, इसे देखने के बाद आप डीप नेक कुर्ती हो या कोई भी कुर्ती हो उसकी कटिंग 5 मिनट में कर पाओगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये सूट का कपड़ा लिया है और ये मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर की तरफ से मार्किंग। तो हम ऊपर से एक निशान लगा लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे, इससे हमारा शोल्डर भी जो हम मार्क करेंगे वहीं पे हो जाएगा और कपड़ा भी हमारा सीधा हो जाएगा। तो डीप नेक बनाने के लिए मैं इसमें शोल्डर रखूंगी 6 इंच, तो हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, डीप नेक में हम जो आर्म होल और रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे। अगर हम बोट नेक या कोई भी बैंड कॉलर बनाते हैं तो उसमें 7.5 से 8 इंच तक आर्म होल रखते हैं। तो इसमें जो शोल्डर रखूंगी मैं ऊपर की तरफ से, वो मैं रखूंगी 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और नीचे की तरफ भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस लाइन को कर लूंगी सीधा। तो जो हमने 6 इंच पे लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट आएगी और यहीं पे हमारी आर्म होल लाइन आएगी। तो जो हमारी इसकी चेस्ट है वो है 18.5 इंच, तो उसका 1/2 से 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 1 से 1.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है एक और बैक पार्ट के लिए, और ऊपर वाले निशान से इस निशान को मिला देना है। तो ये वाला आएगा हमारा बैक में और जो हमने पहले मार्क किया था वो आएगा हमारा फ्रंट में। जैसे हम सभी शोल्डर में गोलाई देते हैं, 1 इंच पे हमें इसकी गोलाई देनी है। फ्रेंड्स, ये कटिंग करना बहुत ही आसान है, आप इस तरह से किसी भी सूट की कटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से और कम समय में। अब देखिए, ये जो हमने लाइन करी थी इस पे हम बैक लाइन की आर्म होल मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक आएगा और आगे वाला हमारा फ्रंट आएगा। अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी जो इसकी कमर है वो आएगी 14 इंच पे, और जो मैं इसकी हिप रखूंगी वो मैं रखूंगी 21 इंच पे। तो इन लाइनों को हम पहले सीधा करेंगे, दोनों लाइनों को हम इन्हें सीधा कर लेंगे, बाद में जो इसकी फिटिंग है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो कमर है वो है 17 इंच, तो उसका 1/2 से 8.5 पे निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी हिप साइज है 21 इंच, तो उसका 1/2 से 10.5 पे निशान लगा के ये हम इस पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, जो मैं इसमें नेक बनाऊंगी, डीप नेक बनाऊंगी, तो मैं इसमें जो इसकी चौड़ाई रखूंगी 2.5 इंच रखूंगी, आगे से जो नेक की गहराई है वो है 6 इंच। इस तरह से हम 6 इंच पे गोल नेक की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए थे उसी पे। आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा कपड़े की भी मार्किंग कर लेंगे जो हमें मार्जिन रखना होता है, ये हम सभी में करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए कितनी आसान और सरल सी ये कटिंग थी, इस तरह से आप किसी भी सूट में कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें से हमें बैक वाले पार्ट को निकाल देना है, अलग कर लेना है, और फ्रंट वाले पार्ट को वापस से हमें ऐसे ही फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा मार्किंग है बैक आर्म होल वाली इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस पे मैंने सीधी पे कटिंग करी है क्योंकि जो इस पे पट्टी है वो उल्टा अगर हम फोल्ड करते हैं तो सही से हो नहीं पाता। अब देखिए